हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रॉन TRX के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्रॉन की प्राइस कहाँ तक जाने वाली है और कब तक जाने वाली है और इसकी क्या अपडेट आ रही है निकल के मार्केट में, क्योंकि ट्रॉन को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, काफी सारे मैसेज आए मेरे पास इंस्टाग्राम पर कि सर हमें ट्रॉन कॉइन के ऊपर एक वीडियो बनाकर दीजिए जिसमें आप उसकी प्राइस प्रिडिक्शन कीजिए कि किस लेवल तक जाएगी इसकी प्राइस और कब तक जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में कवर करने वाले। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, सारी की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। अगर मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूँ कॉइन मोमो वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ट्रॉन यानी कि TRX कॉइन को ओपन करके रखा हुआ है। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त इसकी करंट वैल्यू चल रही है यहाँ पर 4.55 रुपये और ये माइनस में जा रहा है 2% से। जी हाँ दोस्तों, और इसकी मार्केट रैंक आ चुकी है यहाँ पर 25 और मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। 24 घंटे में लो गया 4.58 रुपये, हाई गया 4.71 रुपये। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी 70% लगभग यहाँ पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है। और इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो आप सभी को पता है लगभग लगभग 15 रुपये ये गया हुआ है, 14.67 रुपये। ऑल टाइम लो की बात की जाए तो 11 पैसे ये गया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि इसकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है उन सभी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ट्रॉन का यहाँ पर ट्रॉन पेड लॉन्च होने वाला है और लॉन्च होगा वो नवंबर के महीने में। जी हाँ दोस्तों, जब इसका ट्रॉन पेड यहाँ पर लॉन्च होगा, ट्रॉन का ट्रॉन पेड यहाँ पर आएगा तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। जैसे कि आप सभी को याद होगा जब बाइनेंस का यानी कि BSC पेड आया था तो उसकी प्राइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, लगभग लगभग 10x से लेकर 15x तक की उसकी प्राइस इंक्रीज हुई थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रॉन की भी यहाँ पर 15x तक की प्राइस इंक्रीज होगी, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है इसकी प्राइस कम से कम 10x तो यहाँ पर इंक्रीज होगी ही होगी। अगर इतनी इसकी प्राइस नहीं जाती है तो इसकी प्राइस वापस से अपने ऑल टाइम हाई को तो टच कर ही सकती है, बल्कि इसे ब्रेक करके ऊपर ही जाएगी। ऑल टाइम हाई आप सभी को पता है 14.67 रुपये है। इस बार इसकी प्राइस हो सकता है 20 रुपये तक चली जाए, लेकिन इसकी प्राइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, 40 से 50 रुपये में मानकर चल रहा हूँ, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि इसकी प्राइस 80 से 90 रुपये के बीच में चली जाए। जी हाँ दोस्तों, और कुछ यहाँ पर इसका एक इवेंट भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस इवेंट के बारे में भी मैंने आपको कितनी बार बताया, ये इस इवेंट का नाम है टोकन 2049 हांगकांग। ये इवेंट होने वाला है हांगकांग में, यहाँ पर काफ़ी सारे फाउंडर्स आएंगे, क्रिप्टो करेंसी के CEO आएंगे, क्रिप्टो करेंसी के ओनर्स लोग आएंगे वहाँ पर। तो इन लोगों की वहाँ पर काफ़ी अच्छी मीटिंग होने वाली है जिसमें ये सभी लोग यहाँ पर अपने कॉइन्स को प्रमोट भी करेंगे। वहाँ पर जस्टिन सन भी होंगे, वो भी अपने कॉइन को यानी कि ट्रॉन कॉइन को वहाँ पर प्रमोट करेंगे। हो सकते हैं BTT यानी कि उसको भी प्रमोट कर दे और विंग कॉइन को भी वो प्रमोट कर दे। अगर वो ऐसा करते हैं, इन तीनों कॉइन को यहाँ पर प्रमोट कर देता है तो इनकी प्राइस वापस से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और इस इवेंट की बात की जाए तो ये इवेंट भी नवंबर में ही है, 23 नवंबर को ये इवेंट होने वाला है। तो दोनों काम यहाँ पर बहुत बड़े होने वाले हैं, पहला ये कि ये इवेंट बहुत बड़ा है, दूसरा ये कि ट्रॉन पेड यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। अब नवंबर की किस तारीख को लॉन्च होगा ये तो अभी कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन जब भी इसकी डेट आएगी तो वो मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा या फिर आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। सो गाइस, लेकिन ये बात पक्की है कि ट्रॉन की यहाँ पर काफी ज्यादा प्राइस इंक्रीज होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है तो इसकी प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। भाई मेरे, आप ये चीज देखो ना कि इसकी सप्लाई मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इस चीज को भी देखो ना, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होने के बाद भी ये कहाँ पर गया, 14.67 रुपये पे। तो फिर इस बार क्यों नहीं जा सकता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि 14.67 रुपये नहीं, ये 20 रुपये से ऊपर ही जाएगा। अगर ये 80-90 रुपये तक चला जाता है तो फिर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पछताओगे कि आपने उस वक्त इसमें एंट्री क्यों नहीं ली जिस वक्त इसकी प्राइस 4 रुपये से लेकर 5 रुपये के बीच में चल रही थी। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी चल रही है, लगभग लगभग 4.5 रुपये से ऊपर ही चल रही है। सो गाइस, मुझे ट्रॉन का फ्यूचर यहाँ पर काफी ज्यादा ब्राइट दिखता है और मैटिक का भी, तो आप दोनों कॉइन में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं बिना किसी डर के, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है ट्रॉन कॉइन में। जी हाँ दोस्तों, इनका एक ट्वीट भी है जस्टिन सन का, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हुबई जो एक्सचेंज है उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया है जिसमें फोर्थ नंबर पर, जी हाँ दोस्तों, फोर्थ नंबर पर सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो रहा है वो कौन सा कॉइन है, ट्रॉन कॉइन। जी हाँ दोस्तों, TRX कॉइन यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है। सो गाइस, एक ये भी रीजन हो सकता है इसकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो, लेकिन अभी प्राइस इसलिए इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा क्रेश हो रही है, बिटकॉइन स्टेबल नहीं है।
जब तक बिटकॉइन स्टेबल नहीं होगा, मार्केट यहाँ पर स्टेबल नहीं होगी, तब तक इनमें से किसी भी कॉइन की प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाली है। सो गाइस, बस यही थी अपडेट सारी की सारी ट्रॉन कॉइन से रिलेटेड, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। मुझे लगता है आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि इसकी प्राइस कब तक इंक्रीज होगी और कितनी इंक्रीज होगी। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।